बीमारी परचा दर्ज करने वास्ते एसएसपी नूं लिखिया। देखो जी, एक तां जिहड़ी गल तुसीं जेल नशे ना रुकण दा कारण यह मिली भुगत थोड़ा मैं दस्या भी उत्थे जे एक बीड़ी जी 500 दी आ ते बंडल 5000 दा विकदा है ते उत्थे बैठे जिहड़े नशा तस्कर ने मोटी कमाई करदे आ। जेल प्रशासन उहदा पैसा आउंदा, डीजीपी तक उहदी कमाई आउंदी आ, उसदा किसे मंत्री तक उहदी कमाई आउंदी होवे ते उह क्यों मतलब के जिहड़े हैगे आ इस गल नूं रोकणगे? इह बिल्कुल गलत दोष लाए ने उहने, कोई इस तरह की गल नहीं गी। उह साडे कोले किसी केस दे विच जेल दे विच अंदर दाखल होया सीगा, दाखिल होया सी ड्यूरिंग उन्हें कुछ सानू सर्च वगैरह की तो उस तो साथियों ने तुम मोबाइल फोन फड़िया सीगा, जिहड़ा उस दे केस दर्ज करवाया गया। उहदे नाल दे साथी कन्विक्ट भी सीगे जिहड़े तकरीबन 9.5-10 साल सज़ा कट बैठे से, उन्होंने ऐसे बुखलाट दे विचों जेल प्रशासन दे जिहड़े एलीगेशन नजायज़ ला रहा हो, होर कुछ चीज़ नहीं हैगी। सर हुण इक होर दस दिंदे आ, मिली भुगत असीं इह ना दे के दस्सांगे। अंदर एक बंदे नूं नशा फड़िया गया, बीड़ियां जरदा गोलियां चिट्टा ते समैक, प्रभजोत सिंह नाम का बंदा सी, वो कुट के प्रशासन ने बंद करता। गनमैन सी सुपरडेंट का बरिंदर सिंह, भुल्लर का गनमैन सी सुपरडेंट का बरिंदर सिंह का नाम सी, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं आख्या, उन्होंने सिर्फ इन्ना कहा उन्होंने कला लाइन हाजिर करता। नंघा के कौन दिंदा इन्हां दे गनमैन, इन्हां दे जिहड़े हौलदार ने लगे हुए आउंदा किवें आ, इन्हां दीआं गड्डियां राहीं आउंदा? नहीं, गनमैन उन्हें गनमैन का ना लिया, गनमैन ठीक है, गनमैन कोई कोई भी बंदा किसी भी किसी इनवॉल्व हो सकता है। उन्हें जिहड़े बंदे नाल गनमैन इनवॉल्व होया सीगा उस गनमैन ते भी परचा दर्ज करने वास्ते एसएसपी नूं लिखिया गया। हुण जेल दे विच तुसीं इह देखो भी जो जेल दे आपां शुरू एंटर करदे आ, गेट तो अंदर वड़दे आ, सड़क तो उतर के थां 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 10 थां चैकिंग हुंदी आ, ते पर इन्ना इन्ना चिट्टा लई फिरदे आ लोक, ऐ पाई फिरदे आ लिफाफिआं दे विच। कोई भी नशा नहीं बेचा जाता, कुछ नहीं, इस तरह की गल सब बिल्कुल झूठ है। मेन गेट के उपर साडे कोले होमगार्ड तलाशी लेके भेजती है, बाहर ड्यूटी के बाद पंजाब पुलिस चौकी बैठी है जिहड़ी कि हर बंदे नूं सर्च करके अंदर भेजती है, चाहे वह जेल का मुलाजम है, चाहे वह जेल का बाहर का मुलाजम है, चाहे वह इनमेट्स का, चाहे कैदी है, चाहे हवालाती है, ठीक है। बाहर जे ड्यूटी के जेल इंप्लाइज जे तलाशी करते हैं, अंदर फिर एक सिक्योरिटी का कवर है तलाशी करके अंदर भेजा जाता। फरीदकोट जेल के पिछले 3 साल 297 बंदे मर चुके हैं, 200 पिछले 3 साल तो फरीदकोट जेल, मॉडर्न जेल फरीदकोट जी, तो जिदे 127 बंदे फाहा लैके मरे है, जिदी मैं एक उदाहरण तुहानू दे सकदा है। करनैल सिंह कैला नाम का बंदा पिंड अरनी वाले तो जेल प्रशासन की कुटमार करने के दौरान वह फा लैके मरिया। पिछला जाके रिकॉर्ड देख लो, 2013 के फरीदकोट जेल के अग ला दी गई सी कैदियों वालों, क्योंकि बंदा जिहड़ा फा लैके मरिया तो लोग भड़क गए भी फा क्यों लिया, प्रशासन ने पहले कुटमार की बंद किया, वह बंद चक्या जिन्हें फा लै लिया, उतों बंदे ने सारी जेल भड़क के 2013 के जेल में अग लाई थी, जेल के काफ़ी उदो माहौल खराब हो गया। नहीं, वो 274 जो कि कह रहे हैं, हजे तक 2011 के लैके हूँ तक जेल के 99 डैथ्स हुई हैं जिहड़ियां कि बीमारी के कारण हुई हैं, ठीक है। साढ़े उस वेले ये फरीदकोट जेल के नाल मोगा जेल, मुक्तसर जेल, ईवन के फाजिलका जेल, वह भी एफीडेटड जेल सी क्योंकि वड्डी जेल होने करके इतने सारे वो बीमार कैदियों को शिफ्ट कर देंगे सके, उन्होंने जिलों के भी जेहड़े कि इनमेट्स जेहड़े बच्चे है। तो साढ़े को हूँ तक 2011 तो सिर्फ 11 कैदियां ने सुसाइड अन जी इतने जेल के जरा हैंग करके जिन्होंने जिन्हों की डैथ हुई। जेकर सच बोलना सच लिखना बगावत है तो समझो असी बागी हाँ। सच अते हक दी आवाज, दुनिया दे हर कोने कोने दी गल, पंजाब टीवी करेगा सच दा खुलासा।
तुसी देखते रहो पंजाब टीवी, सच अते हक दी आवाज़।